अडानी ग्रुप के ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ चुकी है। अडानी ग्रुप को MSCI इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। अब अडानी ग्रुप पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब अडानी ग्रुप वापस बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जो शेयर 2000 पर ट्रेड कर रहा है यही शेयर 1000 रुपए पर आ जाएगा। ऐसे ही कुछ टैगलाइन को यूज किया जा रहा है आज के दिन यूट्यूब के ऊपर और यहां पर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर एक्चुअल फैक्ट मैं आपके सामने ये रखने की कोशिश करूंगा कि क्या सही में अडानी ग्रुप के ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या अडानी ग्रुप को MSCI इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है या फिर करने वाले हैं। साथ ही साथ अडानी वेलमार के अंदर 5% का अपर सर्किट क्यों देखने को मिल रहा है और बाकी शेयर्स के अंदर यानी कि बाकी 8 कंपनियों के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट के साथ में जो कि अडानी पावर से रिलेटेड निकल कर आ रही है। आज के दिन अडानी पावर के अंदर भी हमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है और ये गिरावट प्रिडिक्टेड थी यानी कि हमें पहले से पता थी क्योंकि कल के दिन कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स डिक्लेयर किए और वहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें 96% से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला। लेकिन इसी बीच अडानी ग्रुप को लेकर अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज आज के दिन निकल कर आती है जिसमें NCLT की तरफ से अडानी ग्रुप की जो 6 सब्सिडरीज कंपनी है जिसकी अमलगमेशन की बात कर रही थी यानी कि जो 6 सब्सिडरीज कंपनी है उसे अडानी पावर के अंदर मर्ज करने की बात चल रही थी उसको लेकर अप्रूवल मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ये न्यूज़ किसी ने कवर नहीं करी है लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस न्यूज़ को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT ऑन थर्सडे अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ अडानी पावर महाराष्ट्र, अडानी पावर राजस्थान, उद्योगी पावर कॉरपोरेशन रायपुर एनर्जी, रायगढ़ एनर्जी जनरेशन एंड अडानी पावर मुंद्रा प्लांट। तो अल्टीमेटली इन 6 सब्सिडरीज कंपनी को अडानी पावर के साथ में जब मर्ज कर दिया जाएगा तो इनका प्रॉफिट, इनका लॉस, इनकी असेट्स, इनकी लाइबिलिटीज सब हमें मर्ज होते हुए देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली अडानी ग्रुप की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। सेकेंड अपडेट की तरफ चलते हैं जो कि आज ही के दिन निकल कर आई है जिसमें ये न्यूज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों को MSCI इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि 10 फरवरी 2023 यानी कि अभी आज 9 फरवरी है, कल के दिन 10 फरवरी 2023 के दिन MSCI इंडेक्स की लिस्ट यहां पर जारी होगी और उसमें क्लियर होगा कि अडानी ग्रुप की किन कंपनियों को MSCI इंडेक्स से बाहर किया गया है, किन कंपनियों का वेटेज कम किया गया है। ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यानी कि अभी से मार्केट में सिर्फ पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो ये थी अडानी पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की अनदर कंपनी यानी कि अडानी वेलमार के बारे में जहां पर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो NSE और BSE दोनों में हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि अडानी वेलमार को लेकर तो नेगेटिव न्यूज मार्केट में देखने को मिल रही है कि अडानी वेलमार के ऊपर जो इनकम टैक्स और GST की रेड है वो देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली उस न्यूज को यहां पर कंपनी ने भी एक्सेप्ट किया है। अडानी वेलमार रेड ओवर एलिगेशंस ऑफ GST वायोलेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो यानी कि सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर अडानी वेलमार की एक यूनिट है यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर GST डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। यहाँ पर कंपनियों ने क्लियर कराया कि ये रेड नहीं है बल्कि एक रूटीन चेकअप है। लेकिन जो हमारी न्यूज़ एजेंसीज है, जो अपोजिट पार्टीज है, उन्होंने यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया है कि अडानी वेलमार की इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर रेड पड़ी है और इस रेड क्यों पड़ी है GST वायोलेशंस को लेकर। यानी कि कंपनी जो अपने GST कंप्लायंस करती है, जो GST टैक्स पे करती है, उसमें कुछ गड़बड़ी करी है यानी कि टैक्स की चोरी करी है, ऐसा कहना है। ये देखना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप लास्ट कुछ टाइम से अगर एक न्यूज़ के ऊपर नज़र बनाए हुए हो तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि संसद के अंदर जो रूलर पार्टी है और जो अपोजिट पार्टी है उसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट देखने को मिल रही है। कल ही के दिन हमारी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी उसको कॉन्ट्रावर्सी के रूप में देख सकते हैं हम कि यहाँ पर अपोजिट पार्टी को जवाब दिया गया है। इसी बीच आज के दिन ये न्यूज़ निकल कर आती है कि टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी वेलमार की जो यूनिट है हिमाचल प्रदेश के अंदर उस पर हमें टैक्स डिपार्टमेंट की रेड देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक और इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर देखनी होगी कि द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ गवर्न्ड बाय अपोजिशन पार्टी।
यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं जो रूलर पार्टी अभी सेंटर सेंट्रल में है वो उस पार्टी के फेवर में नहीं आता हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशन पार्टी है। तो क्या अडानी ग्रुप के ऊपर जो ये रेड हमें देखने को मिल रही है, या जो भी कहें एक रूटीन चेकअप जो हमें देखने को मिल रहा है, ये क्या अपोजिशन पार्टी जानबूझकर करवा रही है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें न्यूज पर निकल कर आ रही है। लेकिन इसी के बाद में अडानी ग्रुप बाहर निकल कर आता है और यहां पर क्लियर करता है कि अडानी ग्रुप के मतलब अडानी के जो रेड की खबरें बाजार में फैल रही है, तो उसमें उन्होंने क्लियर करा कि नो इररेगुलेशन फाउंड इन ऑपरेशंस एंड डीलिंग्स, यानी कि किसी प्रकार की टैक्स की चोरी नहीं की गई है। और यहां पर एक वर्ड मेंशन किया गया है, रूटीन इंस्पेक्शन, यानी कि हाँ डिपार्टमेंट से लोग आए थे लेकिन वो रूटीन इंस्पेक्शन के लिए आए थे। नो रेड बाय अथॉरिटीज एट हिमाचल वेयर हाउस। तो यहां पर अडानी ग्रुप ने सामने आके कहा है कि किसी प्रकार की कोई रेड नहीं पड़ी है, सिर्फ एक रूटीन इंस्पेक्शन था। तो अगर आप पैनिक ले रहे हैं मार्केट में कि अडानी वेलमार भी जीरो हो जाएगा या अडानी पावर जीरो हो जाएगा, तो आपको न्यूज की हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानना होगा कि क्या न्यूज बाजार में देखने को मिल रही है और किस बेसिस पर देखने को मिल रही है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस वीडियो के अंदर कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कल का दिन अगेन अडानी ग्रुप के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स की रिपोर्ट आएगी जिसमें अडानी ग्रुप की किन किन कंपनियों के वेटेज को कम किया जाएगा वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ अडानी पावर और अडानी विलमार, अडानी पावर की बात करें तो कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया है 96% से कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, जिस कारण से यहां पर हमें गिरावट प्रिडिक्टेड है। लेकिन अब ये गिरावट कहां तक जाएगी, क्योंकि 170 रुपीज का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अडानी विलमार नो डाउट बहुत ही शानदार क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, और साथ ही साथ इस शेयर्स के अंदर अगर आपने पोजीशंस बना रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। बाकी शेयर्स की बात करें तो उनसे रिलेटेड जो भी फर्दर अपडेट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अडानी विलमार को लेकर आज की एक और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है कि नुआमा की तरफ से अडानी विलमार के जो टारगेट प्राइस थे उसे और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि 62% के अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 680 रुपये के टारगेट प्राइस यहाँ पर बताए गए हैं, और उसके पीछे का रीज़न बताया गया है कि अडानी विलमार के क्वार्टर थ्री के नंबर्स बहुत अच्छे हैं और कंपनी का जो इनका एडिबल ऑयल का बिजनेस है वहाँ पर वॉल्यूम्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो अल्टीमेटली अगर आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड करिए विथ स्टॉप लॉस, और अगर फ्रेश पोजीशंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी वेट एंड वॉच करिए। यहाँ पर आपको ना एवरेजिंग करनी है ना फ्रेश पोजीशंस बनाना है, सिर्फ यहाँ पर हर एक न्यूज़ के ऊपर नज़र बनाए रखनी है और अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चलना है। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपकी फिर भी कोई भी क्यूरी है इन दोनों पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड या फिर अडानी ग्रुप के किसी और शेयर से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।